हेलो गार्डनर्स, आप सबका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल रूफटॉप गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये देखिए हमारा सेंटर गार्डन और इस पे पूरी तरीके से सुलियोसिया अंदर की ओर है और हाफ पोर्शन में इधर जीनिया है और इधर मैंने विंका की सीडलिंग लगाई हुई है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने रजनीगंधा के बल्ब्स को कैसे ग्रो करते हैं, हाउ टू ग्रो रजनीगंधा बल्ब। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने टायर प्लांटर में भी, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये देखिए अभी तक इसमें मैरीगोल्ड लगी थी, अब इसमें मैंने विंका लगा दिए हैं और ये अपना जीनिया कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। मेरे कुछ पिटूनिया ठीक ठाक अभी चल रहे हैं, ये देखिए ये पर्पल वाला और एक ये स्टार वेराइटी, ये अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। और ये देखिए मेरी स्लीपिंग हिबिकस काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत सुहावना सा मौसम है और इस समय तो मेरा नीचे जाने का, मतलब मैं टेरेस पे हूँ तो नीचे जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है यहीं पे बैठी रहूँ। जब भी कभी ऐसा मौसम होता है तो मेरा मन बस यही करता है कि मैं अपने पेड़ पौधों के पास में ही रहूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं, ये मेरा पॉट है और इसमें अपनी मैंने पॉटिंग सॉइल भर रखी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है, वही पॉटिंग सॉइल है। और देखिए दोस्तों, रजनीगंधा के बल्ब्स ये होते हैं, इसमें से मेरे दो पिछले साल के हैं, ये मेरा पिछले साल का है ये और ये, और ये मेरा अभी मैंने लिया था और इसमें स्प्राउटिंग भी हो रही है। ये आपको, ये देखिए महीन सी स्प्राउटिंग है। दोस्तों, जब भी आप कभी कोई बल्ब खरीदें तो उसको बड़े, थोड़ा बड़ा खरीदिए, छोटे वाले अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते और देर में करते हैं। जो बड़े आपके बल्ब्स होते हैं वो फ्लावरिंग जल्दी करते हैं और उनका फ्लावर का जो साइज़ वगैरह होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। होता क्या है, जो ये बड़े बल्ब्स होते हैं ये अपने अंदर फूड को ज़्यादा स्टोर करते हैं, इसी से ये इतने बड़े होते हैं। तो जब आप बड़े साइज़ के बल्ब लगाएंगे तो इनमें फूड भी ज़्यादा है तो ये अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे। आपको करना क्या है, ये देखिए मैंने इसको आधे घंटे के लिए फंजीसाइड पाउडर में के पानी के, फंजीसाइड थोड़ा सा पानी में मिला के इसको मैंने डिप किया हुआ था थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया है। और इसको आपको, ये देखिए ऐसे मैं चार इतने बड़े कंटेनर में चार लगा रही हूँ। ये लगा के इसके ऊपर आपको मिट्टी डालनी है, ये देखिए अपनी पॉटिंग सॉइल रखनी है। और दोस्तों, इसको पानी अब आपको एक बार अच्छे अमाउंट में देने के बाद तभी देना है जब इसकी आपको मिट्टी एक इंच तक ड्राई लगे, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी दिया तो जो बल्ब्स होते हैं ज़्यादा पानी पाने की वजह से आपके अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे और वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उनका जर्मिनेशन रेशियो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए पानी का अच्छे से ध्यान रखिए। और इसको आप फुल सन में भी रख सकते हैं, वैसे फुल सन में इस टाइम की धूप में मत रखिए, मेरे यहाँ नेट लगा है इसलिए मैं इसको कहीं पे भी रख सकती हूँ। अगर आपके यहाँ नेट नहीं है तो आप इसको थोड़ा सेमी सेड एरिया में रखिए, जब इसमें आपको स्प्राउटिंग नज़र आए फिर आप इसको सन में रख सकते हैं। ये देखिए आपको अच्छे से इसमें इसको बंद कर देना है, ये देखिए अभी बल्ब है, दिख रहा है आपको, इसलिए मुझे थोड़ी मिट्टी और डालनी है। जरा सा एक इंच से भी कम दोस्तों आपकी जो बल्ब है वो ऊपर इसकी स्प्राउटिंग दिखे, इतना आपको मिट्टी डालना है। ये आपको इसको प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथ से आपको इसको ऐसे इवनली स्प्रेड कर देना है। ये देखिए आपको, ये देखिए इसकी स्प्राउट है ना, इसको आपको दबाना नहीं है कि आप ऐसे ऐसे दबा दीजिए, इसको दबाना नहीं है, बस किनारे किनारे हल्की सी मिट्टी आप चाहे तो दबा सकते हैं कि एयर पॉकेट, वैसे भी एयर पॉकेट अभी आपको पानी डालने के समय
बंद हो जाएंगे। और इसमें मैं जिसमें मैंने जिस फंजीसाइड के पाउडर में मैंने इसको भिंगोया था लिक्विड में, वही फंजीसाइड मैं इसको वही फंजीसाइड का मैं इसमें पानी दूंगी, ये देखिए। और एक बार पानी देने के बाद आप थोड़ी देर रुक जाइए, पानी अच्छे से मिट्टी को एब्जॉर्ब करने दीजिए और फिर से एक बार आप पानी इसमें दीजिए, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आप इसमें पानी अभी थोड़ी देर में ये सारा शक्कर लेगा नीचे की ओर, तो मैं इसमें फिर से पानी दूंगी। और दोस्तों इसका इसकी केयर की बात करें, समर प्लांट है तो आप इसमें फंगस का भी थोड़ा अटैक हो सकता है गर्मियों में, तो आप वही नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए 15 डेज में, आफ्टर जब इसकी स्प्राउटिंग हो जाए फिर कहीं कोई आपको फंगस ना लगे। और इसमें पानी का विशेष ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो बल्ब्स हैं वो गल जाएंगे, इसलिए पानी बहुत सोच समझ कर दीजिए। इतना पानी देखिए, देखिए मेरा ये पानी ड्रेन आउट होने लगा है, ये देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा पानी और दूंगी। चलिए गार्डनर्स, आप सब भी रजनीगंधा के बल्ब को लाइए, समर्स में ये बहुत अच्छा फ्लावर होता है और इसके फ्लावर से अच्छा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसकी इसके फ्लावर स्पाइक में आते, एक स्टिक निकलेगी उसी पे इसके फ्लावर होते हैं। और आप सब भी ये फ्लावर लगाइए और इस बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। ओके गार्डनर्स, आप सब लगाइए इसको और इसकी खुशबू को एंजॉय करिए अपने बगिया में। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।